सहनौभनक्तु सह वीर्यङ्करवाहै तेजस्विनावधीतमस्तु शवहै व्रताना व्रत व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेर इदमहमनृता सत्यमुपैमे शान्ति शान्ति शान्तिः रामायण का अयोध्या कांड हम पढ़ रहे हैं द्वा सर्ग चल रहा है और इस कक्षा में दो मंत्रों का उच्चारण हम प्रतिदिन करते हैं सहनाव तु सहनव तु आप सबको मालूम है इसका अर्थ क्योंकि आचार्य और अंतेवासी दोनों का एक साथ ही विकास होता है कोई कहे कि पहले आचार्य होता है कि शिष्य होता है तो दोनों साथ साथ ही होते हैं, क्योंकि आचार्य भी आचार्य तभी बनता है जब वो किसी दूसरे में अपने ज्ञान का आधान कर पाता है और आधान तब कर पाता है जब वो वैसा आचरण करता है उससे पहले उसके पास शब्द ज्ञान हो सकता है लेकिन शब्द ज्ञान आचार्य को आचार्य नहीं बनाता है और शिष्य भी तभी शिष्य बनता है जब वो जैसा आचार्य से सुना शास्त्र में सुना वैसा उसने जीना प्रारंभ कर दिया और अपने जीवन का एक उसने डिजाइन बना लिया उससे पहले वो कोई विद्यार्थी हो सकता है उससे पहले वो कोई शब्द सीखने वाला शिक्षार्थी हो सकता है शिष्य नहीं हो सकता है शिष्य तो से ही बनता है, तो गुरु शिष्य दोनों का आचार्य और अंत्यवासी दोनों का व्यक्तित्व का विकास साथ साथ होता है और इसके लिए प्रतिदिन दिन की शुरुआत ही इस मंत्र से और इस संकल्प से की जाती है क्योंकि संकल्पों से सृष्टि होती है ऐसे हमें रोज श्रद्धे स्वामी जी महाराज बताते हैं जैसे हमारे संकल्प होते हैं वैसा वैसा हमारा जीवन वैसे वैसे हमारे जीवन में फिर संबंधी वैसे वैसे मित्र मंडली सब आते चले जाते हैं आज जो आप जिस स्थान पर बैठे हैं जो शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं इस तरह का आपने डिजाइन नहीं बनाया था लेकिन अज्ञात में कहीं ना कहीं आपकी ऐसी भावनाएं थी बिल्कुल ऐसा कैसा तो सोचा भी नहीं आपने पर इससे संबंधित ही संस्कार थे आपके इसलिए आप यहां आ गए आगे भी जैसे हमारे संकल्प होते हैं वैसे वैसे फिर जीवन अपने आप बनता ही चला जाता है तो जब इस कक्षा में हम बैठते हैं तो इस संकल्प के साथ ही बैठते हैं कि हम यहाँ परस्पर एक दूसरे के विकास में बाधक नहीं बने साधक बने शिष्य गुरु को आगे बढ़ाने में निमित्त बनते हैं और गुरु शिष्यों को आगे बढ़ाने में निमित्त बनते हैं और दूसरा जो मंत्र है व्रत वाला तो वो भी इससे संबंधित ही है सबसे ज्यादा व्रतों का पालन करने वाला अखंड व्रतों का पालन करने वाला हम ये कह सकते हैं सृष्टि में जो नियम है जो व्रत है कभी खंडित नहीं होते सूर्य कभी अपने धर्म का खंडन नहीं करता है चंद्रमा वायु पृथ्वी ये सब अखंड व्रत का धारण कर रहे हैं और ये तो जड़ हैं इनके व्रतों को वास्तव में इनके माध्यम से उन व्रतों का पालन करने वाला तो ब्रह्म ही है परमेश्वर ही है तो इसको देख करके हम बोल रहे हैं व्रत पते व्रतम चरित में सारी सृष्टि व्रतों में चल रही है रित नियमों में चल रही है अखंड चल रहे हैं वो सारे नियम खंडित नहीं होते हैं। तो क्योंकि मैं भी इस सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा हूं मैं भी इस सृष्टि के साथ लय बना करके रिदम में इसके साथ साथ चलूंगा तो मेरे माध्यम से भी व्रतों का पालन हो जाएगा अलग इससे हटे तो फिर बड़ा मुश्किल है फिर हम व्रतों का अखंड पालन कर पाएंगे बड़ा कठिन समूह में तो हो जाती हैं कुछ चीजें अकेले में टूट जाती हैं आप यहाँ समूह में रह करके शास्त्र स्मरण कर सकते हैं पर समूह से अलग होकर के भी कोई इतना याद कर पाए बड़ा कठिन है अपवाद तो कहीं भी हो सकते हैं। सामान्य नियम तो यही है सामूहिकता में जो विकास होता है उसमें व्यक्ति को आधा जोर पड़ता है और फिर एक दूसरे की जो भावनाएं हैं वो भी प्रभाव डालती हैं तो ये हम सब के लिए एक समझदारी की बात है चाहे हम एक घर परिवार में रहते हैं दो चार सदस्य मिलकर के रहते हैं चाहे हम किसी कंपनी में रहते हैं चाहे हम किसी संस्था में रहते हैं जहां हम रहते हैं जिनके साथ हमें रोज रहना है प्रतिपल रहना है उनके साथ यदि हमारी ट्यूनिंग हो जाए और उन सब सदस्यों की यदि इस प्रकृति के साथ ट्यूनिंग हो जाए ऋषियों के साथ ट्यूनिंग हो जाए तो फिर यात्रा सरल हो जाती है और जिस घर में रहते हैं दो चार लोग हैं और उनका आपस में एक दूसरे को सहयोग तो नहीं होता है बाधा जरूर डालते हैं एक दूसरे को ना पसंद करते हैं एक दूसरे के दोष दिखाई देते हैं एक दूसरे की त्रुटियां ढूंढते रहते हैं तो सास तो बहू को पसंद नहीं करती है बहू सास को पसंद नहीं करती है पिता पुत्र पुत्रियों को पसंद नहीं करते बच्चे पिता को पसंद नहीं करते देवरानी जेठानी जो जो भी संबंध होते हैं संसार में सबको उसी घर में रहना है लेकिन उसी घर में रहते रहते पंद्रह बीस पच्चीस साल गुजर जाते हैं सब ना पसंद करते करते जाना किसी को कहीं भी नहीं है फिर पंद्रह बीस साल के बाद उनको लगता है कि अब तो कहीं भी नहीं जाएंगे तो फिर थोड़ा थोड़ा उनमें मेलजोल होता है ऐसा मैंने देखा संसार में तो फायदा क्या हुआ इतने वर्ष तो व्यर्थ ही चले गए ना तो हम क्या करते हैं तत्कारी तद्वेशी होते हैं जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन्हीं के दोष ढूंढते हैं जिनके आसपास रहते हैं वही छिद्रन्वेषण करते हैं तो फिर दोनों दोनों का अहित करते रहते हैं तो यहाँ दिन की शुरुआत इससे की जाती है समझदार लोग जो होते हैं वो अपने दिन का प्रारंभ ही इस बात से करते हैं कि हम एक दूसरे के बाधक ना बने एक दूसरे का सहयोग करने वाले बने और सहयोग में भी शुरुआत किधर से हो तो जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं मुझे ऐसे लगता है कि साधना करने के लिए आंतरिक साधना करने के लिए एक योग दर्शन को व्यक्ति सिद्ध कर ले पर्याप्त है और को कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और कर्म योग को सिद्ध करने के लिए एक गीता पढ़ ले उतना भी पर्याप्त है उसका हर कर्म योग बन सकता है गीता को समझ लिया प्रतिपल योग की स्थिति में रह सकता है योगस्थ है और लौकिक व्यवहार को सीखने के लिए रामायण से बढ़कर के कोई ग्रंथ भारत में नहीं धरती में नहीं मिल सकता है कोई बहुत बड़ी चीज है और ये लोक व्यवहार लोक व्यवहार न आने से कई बार अच्छे लोग भी अपने मार्ग में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि वो व्यवहार की त्रुटियां हो जाती हैं भाव गलत नहीं होते त्रुटियां हो जाती है और अच्छे व्यवहार से कई बार सामान्य योग्यता वाले भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं व्यवहार की जितना भी ज्ञान है, तो है, है जितना भी ज्ञान है तो रामायण से भड़कर के व्यवहार सिखाने वाला ग्रंथ अब तक मुझे नहीं मिला कोई भी तो जो मैं बात कह रही थी कि हमें अपने दिन की शुरुआत जो करनी है तो उसमें पहल किसकी तरफ से हो अच्छा व्यवहार करने की पहल उसकी तरफ से हो जो अच्छा है यहां देख रहे हैं मंथरा का ठीक अपने संस्कार हैं उसकी अपनी एक सोच है उसको जो करना था उसने किया लेकिन श्री राम उसको दंड नहीं देना चाहते हैं। वो फिर भी उसको प्रीति ही करना चाहते हैं माई कहके ही बुलाते हैं कोई दुर्व्यवहार उसके साथ नहीं किया माता कही गई कि जो अपने उसके संस्कार थे जो एक अनसिक्योरिटी का भाव था उसके अंदर कि यदि कौशल्या राजमाता बन गई तो ये तो चुन चुन के बदले लेगी मेरे से पीछे तक के क्योंकि मैंने बहुत तंग किया है कौशल्या को तो उसको जो भी उसके संस्कारों के अनुसार लगा वैसा उसने किया माता कही कि ने किया और जब सब राम भी चले जाते हैं वन को भरत जी आ जाते हैं महाराज दशरथ की मृत्यु हो जाती है और सब जिम्मेदारियां निपटा के भरत जी फिर श्री राम को लाने के लिए चित्रकूट प्रस्थान करते हैं तो भरत जी कहते हैं बाकी सब लोग कहते हैं हम भी आपके साथ जाएंगे हम भी अपने राम को देखेंगे दर्शन करेंगे हम भी चलेंगे सब पूरा नगर तैयार हो जाता है साथ जाने के लिए लेकिन कई कई भी चाहती है क्योंकि श्री राम के जाने के बाद जो उसकी दशा हुई कोई उसको देखना भी नहीं चाहता उसका अपना ही पुत्र उसको मां कह के नहीं बुलाता है तो इससे ज्यादा तो कष्ट क्या हो सकता है तो वो बेचारी किसी को कह तो नहीं सकती कि मैं भी जाना चाहती हूँ तो बड़ी हिम्मत करके वो कौशल्या के पास जाती हैं कि आप सब जा रहे हैं मेरी भी इच्छा है मैं भी श्री राम को देखू भरत जी को जैसे पता लगता है तो भरत जी कहते हैं कि सब साथ जाएंगे लेकिन कई के ही साथ नहीं जाएंगे इसको हम साथ नहीं लेके जाएंगे तो माता कौशल्या कहती हैं कि बेटा यदि आप अपनी माता जी को साथ नहीं ले जाना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ नहीं आऊंगी फिर जाएंगे तो तीनों ही माताएं जाएंगी आप नहीं ले जाना चाहते हैं तो हम भी नहीं जाएंगे तो ये है कौशल्या का चरित्र जिस कई कई ने उसकी सारी दुनिया उजाड़ दी उसके पुत्र के साथ पुत्र वधु के साथ पति की मृत्यु हो गई मतलब कुछ भी तो बचा नहीं और उस कई कई के लिए भी वो ऐसा सोचती हैं। भरत कहते हैं माता किस मिट्टी से बनी हो जिसने इतने कष्ट दिए हमारे पूरे कुल खानदान को तबाह कर दिया आप उसको साथ ले जाने के लिए कह रही हो तो यहाँ कौशल्या माता का चरित्र दिखाई दे रहा है कि कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है या हमारे से द्वेष करता है या हमारे बारे में अन्यथा सोचता है ये उस व्यक्ति के अपने संस्कारों की कमजोरी है और हम बदले में उसके साथ अच्छा व्यवहार करें ये हमारी विशेषता है तो हर व्यक्ति को ऐसे सोचना चाहिए कि मैं जो मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं भी कर रहे हैं उनके साथ मैं अच्छा व्यवहार क्यों करूं इसलिए करें क्योंकि आप अच्छे हैं अपनी विशेषता को दिखाने के लिए करें आप और उसका ढंडोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है नहीं तो वो भी फिर एक छल हो जाता है अगर हम किसी को दिखाने के लिए कि देखो इन्होंने तो ऐसा किया और अब मैं क्योंकि मैं अच्छा हूं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं तो दिखाना अपने आप में एक बुराई हो जाती है फिर दम्भ दर्प अभिमान तो ये आसुरी संपद में आते हैं दम्भ का मतलब वही ही होता है दिखाना तो हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है ये सब जो साधना जो है ना ये ना तो किसी को दिखाई जा सकती है ना किसी की देखी जा सकती है ये सब का अपना ही अपना व्यवहार है अपना ही अपने अकाउंट है सबका अपना अपना कर्माशय है बस हमें शॉर्ट टाइम उपलब्धियों के लिए लॉन्ग टाइम उपलब्धियों को नष्ट नहीं करना चाहिए थोड़ी देर के लिए जो चीजें हमारे को यश देने वाली हैं मान देने वाली वाह वाह देने वाली हैं उनके पीछे पागल होकर के और जो लंबे समय तक शाश्वत जो संस्कार बन रहे हैं उनको खराब नहीं करना चाहिए तो ऐसे ही एक दूसरे को सहयोग करते हुए क्योंकि हमें अपनी पढ़ाई भी करनी है जो हमारी परीक्षाएं हैं अगर हम अपने दिन की शुरुआत इतने एकाग्र चित्त के साथ इतने सात्विक चित्त के साथ यदि करते हैं तो फिर जो सिलेबस वाला सिलेबस है परीक्षा वाला जो सिलेबस है वो हमारे लिए बहुत छोटा सा हो जाएगा छह घंटे में जो पूरा होता था उसको आप चार घंटे में पूरा कर सकते हैं ये एकाग्र चित्त की महत्ता है और बिखरे हुए चित्त की महत्ता ये है कि चार घंटे का जो सिलेबस था वो दस घंटे में भी पूरा नहीं होता है और फिर भी वर्डन तो मुख्य तो हमारा ये है क्योंकि हम सब एक आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हैं मुख्य ये है गौण परीक्षा है कई बार हमें अज्ञान के कारण लगता है कि परीक्षा तो हमारी मुख्य है और यह तो गौण है एक सत्संग कक्षा नहीं साधु के लिए सन्यासी ब्रह्मचारी के लिए मुख्य मुख्य है और जिसने इसको मुख्य बना लिया उसके लिए परीक्षा फिर बहुत छोटा सा काम है छोटा टास्क है वो तो वो तो चलते चलते साइड में है आपकी शक्तियां इतनी अनंत हैं आपकी उन अनंत शक्तियों के सामने ये सिलेबस कोई मायने नहीं रखते हैं फिर पर यह बात जरूर है कि उन शक्तियों का हम सदुपयोग करते हैं कि नहीं उनका परिचय हमें है कि नहीं इसलिए मैंने पहले भी एक दिन एक कक्षा में बताया था कि अभ्यास का मतलब किसी काम का रिपीटेशन अभ्यास नहीं है लोक में तो हम उसी को अभ्यास कहते हैं अभ्यास का मतलब किसी काम को बार बार करना किसी काम को बार बार करने से उसमें निपुणता प्राप्त नहीं होती है आप कहेंगे जी हम तो बार बार सूत्रों को दोहराते हैं और वो हमें याद हो जाते हैं लेकिन वो कितने दिन याद होंगे आपको जब तक आपकी प्रतियोगिता नहीं होती है उसके बाद आप भूल भी जाते हैं और उसमें से कुछ आपको याद रह जाते हैं तो वो जो याद रहते हैं वो वो याद रहते हैं जिस समय आपका चित्त एकाग्र था उसको याद करते समय वो वो तो रह जाता है आपके स्मृति का एक हिस्सा बन जाता है बाकी चला जाता है तो अभ्यास की ये परिभाषा यदि होती तो महर्षि पतंजलि वही अभ्यास की परिभाषा करते बार बार करना उन्होंने ये परिभाषा नहीं की उन्होंने कहा उस स्थिति में टिकने का यत्न करना एकाग्रता की स्थिति सात्विकता की स्थिति वाहिता की स्थिति चित्त की उसका हमें यत्न करना है बनाने का उसका नाम अभ्यास अब आप में से किसी का कोई भी लक्ष्य है किसी को व्याकरण में बहुत बड़ा वैयाकरण प्रामाणिक वैयाकरण बनना है तो अब उसका जो लक्ष्य है उसकी जो प्रैक्टिस है वो क्या होगी उसकी प्रैक्टिस ये होगी कि महर्षि पाणिनि के जैसे बनने में अभी कितनी कमी है ये उसका लक्ष्य होगा वो तो कैसे किस तरह से उन्होंने इस वैयाकरण शास्त्र की रचना कर दी क्या स्थिति रही होगी उनके चित्त की जिसके समाधि लगाने का लक्ष्य है तो वो रोजाना ध्यान लगाते समय यह लक्ष्य लेके चलेगा कि समाधि लगने में कितनी कसर और है अभी कहा त्रुटि है ढूंढेगा वो अपने अंदर कहा विचार में है भाव में है आहार में है एकाग्रता में है कहाँ है उसको ढूंढेगा वो एक व्यक्ति किसान है उसका लक्ष्य है अब की बार इस खेत में से पचास टन अनाज पैदा होना चाहिए तो अब वो सोचता है कि पचास टन के लिए कौन सा खाद डालूं कितनी बार पानी दूं कितनी बार नलाई करूं उस ढंग से वो अभ्यास करता है तो अभ्यास का मतलब केवल रिपीटेशन नहीं है आपकी जीवन का लक्ष्य क्या है डिजाइन क्या है जाना कहाँ है उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं या फिर रूटीन में ठीक है रोजाना जी हम तो बैठ जाते हैं चार बजे उठ करके ऐसे बैठते बैठते कभी ना कभी किसी ना किसी दिन तो समाधि लगी जाएगी नहीं लगेगी कभी भी नहीं लगेगी तो हमारा रामायण पढ़ने का भी दूसरे ग्रंथ पढ़ने का भी एक लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए हमारे मन में और फिर जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं जितने भी बड़े बड़े काम इस धरती पर आज तक हुए हैं आज भी हो रहे हैं जिस संस्थान में हम बैठे हैं जिस गुरु के चरणों में हम बैठे हैं वो आज भी एक महत विराट यज्ञ के याजिक हैं इतना बड़ा यज्ञ आज भी हो रहा है कैसे हो रहा है वो एक एक पल श्रद्धे स्वामी जी महाराज के माइंड में वो ही चलता रहता उसके अलावा कोई चिंतन नहीं कोई भाव नहीं इस साल हमें इन छह महीने में किन सेवाओं को कहां तक पहुंचाना है योग की महाक्रांति आयुर्वेद की महाक्रांति ऐसे थोड़ी हो जाती हैं कि चलो जी करते रहते हैं रोजाना दंड बैठक सूर्य नमस्कार कभी ना कभी तो सारी दुनिया करने लगी जाएगी नहीं उसके लिए प्लान बनानी होती है ठीक है वेलनेस सेंटर आयुर्वेद की औषधिया दो चार बना के आदमी बस रुक जाता है वहीं पर ही तो जितने भी बड़े काम इस धरती पे हुए हैं आज भी हो रहे हैं आगे भी होंगे क्योंकि इस धरती को तो रत्न गर्भा कहा गया है कभी भी ये रत्नों से खाली नहीं होती है तो कोई ना कोई रत्न पैदा होते ही रहेंगे आगे भी, तो वो सब आप जैसे ही होते हैं आप में से ही एक एक फील्ड में एक एक सन्यासी, एक एक ब्रह्मचारी रत्न बन सकता है परियोजना तो उसकी खुद ही बनानी पड़ेगी डिजाइन खुद बनाना पड़ेगा और ऐसे बिल्कुल सहज भाव से चलते हुए बस जागरूक रहना चाहिए व्यक्ति को तो वो कुछ ना कुछ तो जरूर प्राप्त कर ही लेगा और ये अपने आप में ही एक पुण्य का फल है कि हम एक ऐसे संस्थान में बैठे हैं क्योंकि अनंत से मिलने की चाह सबकी होती है लेकिन कुछ ही ऐसी पावरफुल शक्तियां होती हैं जो अनंत से मिल पाती हैं नदी नाले जो छोटे छोटे हैं वो भी चाहते हैं कि हम अनंत से मिले अनंत का मतलब है समुद्र अब अकेले तो समुद्र की तरफ दौड़े तो कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे तो क्या करते हैं वो गंगा के साथ मिल जाते हैं गंगा के साथ मिलने से वो भी अनंत को पहुंच जाएंगे सागर का जल अनंत है उसका कोई अंत तो है नहीं तो वो अपने आप में ही भगवान का एक रूप है तो ऐसे ही हम शायद विभूतियाँ क्या होती हैं भगवान की एक विशेष कृपा क्या होती है वो शायद हम नहीं अनुभव कर पाए हमारे अंदर ऐसे संस्कार ना हो इतने प्रबल बेशक हम साक्षात भगवान की सेवा कैसे होती उसका यंत्र कैसे बना जाता है शायद ना समझ पाए क्योंकि हम भगवान को ही नहीं जानते पर जिनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा है जिनको भगवान ने अपना यंत्र बनाया है जो भगवान के अत्यंत प्रिय व्यक्ति हैं उनके तो प्रिय पात्र बन सकते हैं हम जो भगवान के भक्त हैं उनके भक्त तो बन सकते हैं ना हम क्योंकि उनको तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं जान सकते हैं पूछ सकते हैं वैसा करने में कोई दिक्कत आई तो जाके भी पूछ सकते हैं तो साधक इसको भी अपना परम सौभाग्य मानता है कोई नदी नाला इसको भी परम सौभाग्य मानता है कि ये क्या मेरा कम सौभाग्य है कि मैं गंगा जैसी नदी के साथ मिल गया पहुंच ही जाएगा वहां तक तो इसलिए हमें जो इस तरह की जो विभूतियां होती हैं उनके साथ मिल करके अपने जीवन के कदमताल को आगे बढ़ाना चाहिए और हम यहां गुरुकुल में रहते हुए हमारे से एक भी त्रुटि ना हो यहाँ के जो नियम बनाए हैं उसको अपने गुरु का विधान समझ करके सौ प्रतिशत श्रद्धा और निष्ठा से उसका अनुपालन करना तो समझ लो कि आप उस गंगा के साथ एकाकार हो गए मिल गए और यह आपको अनंत तक पहुंचा देगा और करना श्रद्धा भक्ति से और उसके बाद तो बस फिर व्यक्ति उससे हट नहीं सकता एक बार कोई नाला गंगा में मिला तो मिला मिल गया अब उसकी अलग हटने की संभावना खत्म हो गई अब अलग नहीं हट सकता है वो अलग हो ही नहीं सकता है एक बार मिल गया तो, तो एक बार ये श्रद्धे स्वामी जी महाराज पूज्य आचार्य जी ये सुबह से शाम तक ऐसी मस्ती के साथ सेवा में लगे रहते हैं ऐसा इनको क्या मिलता है एक बार यदि उनके साथ मिल करके उसका पता चल गया फिर आप अलग नहीं हट सकते हैं। फिर कोई आपको करोड़ों रुपए देकर के भी आलस्य प्रमाद आपसे करवा नहीं सकता है स्वामी जी से करवाएगा कोई आलस्य जी आज आज तो सो जाओ तीन दिन हो गए आपको सोए आज चार बजे पहुंचे हो सोते ही नहीं तो ऐसे हम इस कक्षा को कर रहे हैं रामायण को आधार बना करके तो इसमें रामायण से संबंधित या अपने पर्सनल जीवन की साधना से संबंधित व्यवहार आचरण से संबंधित कोई भी प्रश्न किसी के मन में आए तो वो इस कक्षा में उसको डिस्कस कर सकते हैं पूछ सकते हैं प्रश्नों की एक मर्यादा जरूर रहनी चाहिए तो इस भाव से अब ये जो हमारा वर्तमान में प्रसंग चल रहा है तो ये चल रहा है कि श्री राम वन में जाने के लिए तैयार हैं, वलकल वस्त्र आदि वो पहन चुके हैं और जब वो जाने लगते हैं तो अपने पिता से एक ही बात कहते हैं ये द्वात्रिंश सर्ग का सातवें नंबर श्लोक से हम पढ़ेंगे तो छठे श्लोक में इन्होंने अपने पिता से कहा कि ये जो मेरी माता जी हैं माता यशस्विनी ये, ये मया विहीना ये क्योंकि मैं अब इनसे दूर जा रहा हूँ मया विहीना वरद प्रपन्ना शोक सागरम अदृष्ट पूर्व व्यसना भूय समम अर्सी अपने पिता से एक ही निवेदन करते हैं कि मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है कोई डिमांड नहीं है कुछ साथ नहीं लेके जाना चाहता हूं बस एक ही कृपा आप मेरे ऊपर करें कि ये जो मेरी यशस्विनी माता है कौशल्या माता क्योंकि मेरे जाने से ये शोक सागर में डूब जाएंगी तो बेशक आज तक कभी आपने इनका ज्यादा ख्याल ना रखा हो तो क्योंकि हम यहाँ रहते थे बच्चे तो हम संभाल लेते थे अपनी माँ को तो अब से आप मेरी माता को एक विशेष सम्मान देना ये श्री राम की इच्छा है पुत्र शोकम यथा पूज्यन पूजिता बोलिए आप पूज्य के द्वारा पूजित होनी चाहिए इनको कोई इस तरह का अभाव महसूस नहीं होना चाहिए कि इनका पुत्र इनके पास नहीं है और अब इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है तो ये हर पुत्र की इच्छा होती है जब वो अपने माता पिता से अलग होते हैं तो पिता की ज्यादा चिंता नहीं होती है पिता तो ठीक है अपने को जैसे तैसे संभाल ही लेंगे माँ की चिंता होती है तो दूसरे को बोलते हैं कि आपने मेरी माँ का ख्याल रखना कोई बड़ा भाई है तो उसको बोलते हैं पिता है तो पिता को बोलते हैं बहन है तो बहन को बोलते हैं क्योंकि पुत्र के बिछुड़ जाने से सबसे ज्यादा कष्ट मां को होता है तो वो ही श्री राम भी कह रहे हैं तो ये हम आगे पढ़ते हैं शुरू से ही एक बार मैं इसका पाठ करूंगी पांचवें श्लोक से एवं ब्रुवंत पितरम राम संप्रस्थित वनम अवाक्षर समासीनम इदम वचनम अब्रवीत धार्मिककौसल्या मम माता यशस्विनी मया विहीनां वरद प्रपन्नां शोकसागरम् अदृष्टपूर्वव्यस्नां भूय सम्मन्तुमर्हसि शोक यथा नर्चे या पूजिता राम से तो वच् मुनी वेशधर चम समीक्ष सह भार विगतचेतन सह मुहूर्तवासो दुखित महीपति विललापमहाबाहो राममेवानुचिन्तयन् मन्ये खलु मया पूर्वं विवत्स बहवः कृतः प्राणिनो हिंसिता वापि तस्मादिदमुपस्थितम् एवमुक्त्वा तु वचनं वाष्पेणापि हि क्षणः रामे सकृदेवोक्त्वा व्याहर्तुं न शशाकः श्री राम कह रहे हैं यम मम माता यशस्विनी कौसल्या मैं विहीना शोक सागरम प्रपन्ना वरद आप तो वरदान देने वाले हैं तो ये मेरी जो माता जी हैं जो मुझसे विहीन हो रही हैं और जो शोक सागर को प्राप्त हो रही हैं हे वरद वरदान देने वाले पिता अदृष्टपूर्व्यसान भूय सम्मंतम अहसी